हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दशहरा निकल चुका है, ठीक, अब दिवाली की तैयारी है और पेपर भी बहुत नज़दीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कुछ फिजिक्स में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं और अगर हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो शायद हमारे फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं बेटा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में इस बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बेटा, और ये पूरे बुक में से हैं, बुक फर्स्ट एंड बुक सेकेंड, 1 चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक टोटल सिलेबस में से। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जितना भी आपका सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें से 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं बेटा। इतना क्वेश्चंस, ये 50 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। अगर आपने ये 50 क्वेश्चंस और बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो इसके अलावा फिजिक्स में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या है। अगर इसका सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, अगर डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए इन 50 क्वेश्चंस का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक। पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो लिख दीजिए सॉल्यूशन, पीडीएफ चाहिए तो लिख दीजिए सिंपली पीडीएफ, समझ जाऊंगा मैं कि आप लोगों को इसका पीडीएफ भी चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 2015, 19, 22 और 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और 2025 में इसके आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक। नोट करते रहिएगा बेटा क्वेश्चंस, या टॉपिक नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2014, 19, 22 और 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, निरक्षीय स्थिति आपका पूछा गया हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, जिसको अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2016, 17, 20 और 24 में ये क्वेश्चंस बेटा आया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका है, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। 2014 में आया है, 2017 में आया, 18, 19, 20, 22, 24 तो 25 आना ही आना है, डेफिनेटली 101% 2025 में आएगा। ये लिख लीजिए इसके आगे 2025, जब आप पेपर देके आएंगे तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा कि इसमें से क्वेश्चन आए कि नहीं आए, ठीक है ना। तो 2025 में भी आएगा ये क्वेश्चन, 2021 में इसलिए नहीं आया था क्योंकि 2021 में बोर्ड एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया था, इसलिए 2021 में ये क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक। गाउस के प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। 2017, 19, 20 और 24 में ये क्वेश्चंस आया है, डेफिनेटली 100% 2025 में भी क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक। नेक्स्ट आपका है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष मतलब अनुदर्ध, इसको अनुदर्ध स्थिति भी बोलते हैं, अनुदर्ध स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक या सूत्र की स्थापना कीजिए या स्थापित कीजिए। 2014, 15, 16, 18, 17 और 20 में क्वेश्चंस आया हुआ है और डेफिनेटली ये 2025 में क्वेश्चंस आना ही आना है, 101% बेटा, 101% गारंटी है 2025 में ये क्वेश्चंस जरूर आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो जल्द ही इन सारे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, ठीक। 2015, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 और 25 आएगा डेफिनेटली 101%,
लिख लीजिए इसको भी। 2025 में ये क्वेश्चन आएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट कह रहे हैं, किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व जे अनुगमन वेग वीडी, अनुगमन वेग वीडी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन तथा मूल आवेश ई में संबंध स्थापित कीजिए। 2017, 18, 16, 22 और 23 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये रिलेशन सबको एस्टैब्लिश करना बेटा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये वाला रिलेशन सबको यहां पर ड्राइव करना है। 2023 में आया है, 2024 में नहीं आया तो संभावना है कि क्वेश्चन 2025 में रिपीट हो। देखो नेक्स्ट आता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग की परिभाषा आपको लिखना है। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। देखो यहां पे ओम के नियम का निगमन आपसे पूछा है कि ओम का नियम जो आपका V इज इक्वल टू आई आर होता है बेटा, इसका निगमन करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो ओम के नियम का निगमन आपसे पूछा है 2014 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 21 और 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। डेफिनेटली 2025 में आने की पूरी पूरी संभावना है, आप इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट कह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा, इसमें या तो डायरेक्टली आपसे नियम पूछ लेगा किरचॉफ का नियम, या आपसे क्या पूछेगा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जरूर पूछेगा। तो इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की भी बहुत प्रैक्टिस करिएगा बेटा। अभी रिसेंटली हमने 3-4 वीडियोस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे अपलोड किया, जिसमें हमने किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का वीडियो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाइए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियोस को भी देखिए, और न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी सीखिए आप लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करिएगा इस टॉपिक पे, और इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से कवर करिएगा। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। 15, 17, 18, 20, 23 और 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए, इसकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन होने का सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। मतलब यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज की जो संतुलन की स्थिति होता है बेटा, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, इसका निगमन करना है, और उसको निगमन करने के लिए हमें किरचॉफ का नियम का यूज करना है। 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 से देखिए कंटिन्यूअसली पूछा है, 2021 से ये 4 साल से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, वायुसेवर्ट का नियम समझाइए, इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन कीजिए। ओहो बहुत बढ़िया, एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, इसी का निगमन करना है। कब आया क्वेश्चन देखो ना, अरे वाह, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 कोई शक नहीं है इसमें कि ये क्वेश्चन 2025 में नहीं आएगा, कोई शक नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअसली अब देखो ना हर साल क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसका मतलब 2025 में भी आ सकता है क्वेश्चंस, और इसके 99% चांसेस है कि 2025 में भी ये क्वेश्चंस रिपीट होगा, किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित वायुसेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। वायुसेवर्ट नियम की समीकरण से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं बीमीय समीकरण परिकलित कीजिए, या बीमीय समीकरण आपको निकालना है। एफ म्यू नॉट के आपको क्या निकालना, म्यू नॉट का मात्रक और बीमीय समीकरण, इसमें आपको कैलकुलेट करना वायुसेवर्ट लॉ का यूज करके। तो सबसे पहले वायुसेवर्ट लॉ की व्याख्या करना है, देन म्यू नॉट की बीमा और मात्रक आपको लिखना है। 17 में आया है, 18 में आया है, 23 और 24 में आया हुआ है। 50% चांसेस है क्वेश्चन के आने के, ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन रिपीट होगा 2025 में, हाँ 50% चांसेस है, 50% नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर का परिपथी नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बेटा, और इस टॉपिक पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी, बहुत सारे ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी करना है बेटा उस टॉपिक पे। क्या कह रहा है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का
सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए 2014, 15, 19, 22, 20, 22, 23 और 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2014 में भी आया, 15, 19, 20, 22, उसके बाद 24, 25 में भी ये क्वेश्चन आने वाला है। डेफिनेटली 101% की गारंटी देता हूं मैं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। नहीं आया तो मैं फिजिक्स पढ़ाना बंद कर दूंगा। डेफिनेटली 100% अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो समझ जाना नेक्स्ट ईयर से फिजिक्स के वीडियोस नहीं आएंगे, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दूंगा। ओहो, चलिए सर ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया। ओहो, चलिए देखिए नेक्स्ट है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल न्यूटन मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के एक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। दो धारावाही चालक तारों के बीच में लगने वाला बल F इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन L होता है, सॉरी अपॉन R इंटू L। ठीक है, ये सूत्र होता है, इस सूत्र का आपको निगमन करना है और इसी के आधार पर एक एम्पेयर की परिभाषा पूछना है, सॉरी लिखना है। तो जब भी इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आता है डेफिनेटली आपसे एक एम्पेयर की परिभाषा जरूर पूछ लेता है कि एक एम्पेयर की परिभाषा क्या है, वो जरूर पूछ लेता है। तो इसलिए जब भी इस टॉपिक को आप प्रिपेयर करेंगे बेटा, एक एम्पेयर की डेफिनेशन जरूर याद करिएगा। इसी के बेसिस पे 1 एम्पेयर को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन 2017 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 21, 23, 22, 23, 24 और 25 में भी ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, किसी ना किसी सेट में आपको 2025 में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है, धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। 14, 18, 22, 23, 24 में ये क्वेश्चन आए, 25 में 50-50% चांसेस है आने के, क्वेश्चंस 50% की संभावना है कि क्वेश्चंस ये आपको देखने को मिल जाए 2025 के सेट में। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। देखो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर है और उस चैप्टर पे बेटा मैंने वन शॉट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाइए इस चैप्टर को एंजॉय कीजिए। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे आपको समझाया, एक एक लाइन मैंने आपको समझाया है, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इस वन शॉट के अंदर मैंने कवर अप किया है। तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा अभी तक और आपको 3 से 4 घंटे के अंदर आपको चैप्टर कवर करना है तो आप जाइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर को, इसका वन शॉट देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है, यह आपको बताना है। 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 में आना है क्वेश्चन। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय के संबंधित दो नियम हैं, दोनों नियम को आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाएगा या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, केवल अगर नियम लिखने को आता है तो 2 नंबर में या थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आपका बनता है और ये डेफिनेटली 3 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। धारावाही लंबी प्रणालिका के सौ प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है बेटा। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है और क्वेश्चंस देख सकते हैं आप कितने सालों से रिपीट हुआ है और कंटिन्यूअसली हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए और सिद्ध कीजिए इसको। ठीक, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा देना है और उसको आपको प्रूफ भी करना है। 2024 में ये क्वेश्चन केवल आया हुआ है, 2025 में आने के 20-25% चांसेस है, ज्यादा नहीं है। तो मैं कहूंगा अगर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका लेंज का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? बिल्कुल नहीं करता है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। 2016, 17, 15, 18, 24 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, 2025 में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी संभावना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 2015, 17, 18, 19, 22, 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, डेफिनेटली 2025 में आने की 90% चांसेस है इस क्वेश्चन की, कि 90% क्वेश्चन
आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, 100% तो नहीं कहूंगा बट 90% चांसेस है कि 2025 में क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। अगर इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए एक वीडियो के अंदर, एक वन शॉट वीडियो के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अगर इसका सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करवा दीजिए, तो जल्दी ही वीडियोज जो है इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, एक प्रचलित लोह क्रोड का क्या महत्व है। ठीक, एक तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की रचना और उसकी कार्यविधि को एक्सप्लेन करना है और उसके अंदर जो प्रचलित लोह क्रोड जो यूज होता है तो प्रचलित लोह क्रोड के लिए आपको एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या महत्व है, इसके अंदर क्यों यूज किया जा रहा है तो उसको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो अगर आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट नहीं देखा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा जाइए अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट भी देखिए, क्योंकि वन शॉट भी अपलोड हो चुका है, अल्टरनेटिंग करंट का एक पार्ट अपलोड कर दिया, दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द जो है अपलोड होने वाला है, तो आप लोग जाइए अल्टरनेटिंग करंट के वन शॉट को एंजॉय कीजिए। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल्स। क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल्स। अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक पे हर साल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, हर साल न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे ट्रांसफार्मर में बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं आपके, 3 नंबर या 5 नंबर में न्यूमेरिकल्स जरूर पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर के जितने भी क्वेश्चंस है बेटा, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। ठीक, करवाना है अगर न्यूमेरिकल्स तो भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स के वीडियोज भी अपलोड होने वाला है अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का। एक न्यूमेरिकल्स दिया है यहाँ पे 2023, 22, 23, 24, 3 साल से कंटिन्यूसली पूछा है, मुझे लगा कि ये 2025 में भी क्वेश्चंस आएगा, इसकी 70-80% चांसेस है। ठीक, ये क्वेश्चंस है, इसमें आपको संधारित्रीय प्रतिघात आपको निकालना, प्रेरक के प्रतिघात निकालना, परिपथ की प्रतिबाधा आपको निकालना, धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर आपको निकालना है, ये जो कलांतर है यहाँ पे, हाँ कलांतर आपको निकालना है, वोल्टेज का वर्गमाध्य मूल मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, सर्किट आपके पास यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, 17, 18, 22, 15, 19, 22, 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, डेफिनेटली 2025 में भी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसमें 2-3 टॉपिक ही है पूरे चैप्टर में। एक तो आपका मैक्सवेल के इक्वेशन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, उसके गुणधर्म है, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में है, तीन चार टॉपिक है, और इस टॉपिक में क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, किसी न किसी टॉपिक पे क्वेश्चंस आता ही आता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। कुछ नहीं है विद्युत चुंबकीय, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या करना है, केवल इसमें आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में एक्सप्लेन करना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ये 3-2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है। एक रे ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन है बेटा, न्यूमेरिकल्स है ये क्वेश्चंस, 2019 में, 22 में और 23 में आया है। क्या है क्वेश्चन? +2.50 डी मतलब डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है इतने सालों से, 19 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में आया, 24 में नहीं आया, तो मुझे लगता है ये संभावना इसकी 25 में आने की है, बट ये क्वेश्चंस बेटा 2 मार्क्स में आएगा, जरूर करिएगा। सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला आपका यूज होगा, 1/F = 1/F1 + 1/F2, तो ये आपका P = P1 + P2। सबसे पहले पावर निकालिए, उससे फिर आप इसका फोकल लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला इसमें ये यूज होना है। चलिए आगे बात करते हैं, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और इस टॉपिक पे भी बेटा न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, जो प्रिज्म टॉपिक है ना इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो इस टॉपिक पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स जरूर प्रिपेयर करिएगा, इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा बेटा, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस टॉपिक पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं सारे न्यूमेरिकल्स आप करिए, प्रैक्टिस करिए। 20 और 24 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल सूत्र लिखना है। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चंस आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो डेफिनेटली 2014, 19 और 20 में आया हुआ है, 2025 में आने की कम संभावना है, बट एक बार कर लीजिएगा इसको।
क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परावर्तन से क्या अभिप्राय है, सिद्ध कीजिए कि n इज इक्वल टू, यहां पे जो n है ना, ये n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन आई सी। ये आपको प्रूफ करना है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है, n अपवर्तनांक है, आई सी जो है यहां पे क्रांति कोण है। क्वेश्चन 23, 24, 15, 17, 18 और 21 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, और ये 3 नंबर या 2 नंबर में ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओहो सर, बहुत बढ़िया। देखो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डेफिनेटली मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। देखो 100% गारंटी वाले क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, 50-70% भी बता रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चंस आने के बहुत कम संभावना है वो भी अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशंस को करिए बेटा, ठीक। अगर आप फिजिक्स में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, फिजिक्स में आप चाहते हैं कि आपको 70 में से 65-68 नंबर्स लाने हैं, 65, 66 या 67 अगर आपको लाने हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहते हो कि एक दिन पढ़ के मैं फिजिक्स में 70 out of 70 लेके आऊँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं, ये कोई भी नहीं कर सकता है ना, ये कोई भी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी नहीं कर सकता, ठीक। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का समय बचा, फरवरी में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 3 महीने अगर आपने अपनी पूरी मेहनत से अगर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, पूरी लगन से अगर आप अपनी प्रिपरेशंस को करते हैं, पूरी ईमानदारी से आप अपनी प्रिपरेशंस को करते हैं, तो डेफिनेटली बेटा अभी भी 3 महीने में आप अपनी प्रिपरेशंस को करके 70 में से 65, 67, 68 तक नंबर्स ला सकते हैं। और आपकी प्रिपरेशंस 3 महीने में अब अगर आउटस्टैंडिंग हो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रिपरेशंस हो, तो डेफिनेटली आप 70 में से 70 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कीजिए, इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इन 50 क्वेश्चंस के आप एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, और हर 15 डेज में इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज ज़रूर करिए। अगर आप रिवाइज करते हैं करेंगे ना 15 डेज में, तो डेफिनेटली ये 50 क्वेश्चंस आपके दिमाग में छप जाएगा, और क्वेश्चंस कहीं से भी आए इन टॉपिक्स बेस्ड आप डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं 70 में से 70 या 70 में से 65 स्कोर करना, तो डेफिनेटली अपनी पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करिए बेटा। हार्डवर्किंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सक्सेस का एक ही की है। सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप हार्ड वर्किंग करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, महीने क्या करेंगे भाई, हार्ड वर्क करेंगे, मतलब दिन में, एक दिन में कम से कम अपने सेल्फ स्टडी के लिए, जो आपकी सेल्फ स्टडी होगा ना, सेल्फ स्टडी के लिए आप कम से कम 4 से 5 घंटा जरूर निकालें, 4 से 5 घंटा जरूर निकालें केवल सेल्फ स्टडी के लिए। ये नहीं कि कोचिंग जा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़, उसको छोड़ के, सब कुछ छोड़ के कम से कम 4 से 5 घंटा अभी जो 3 महीने आपके बचे हैं, इन 3 महीने में 4 से 5 घंटा रोज आप सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए। अगर आपके पास पीसीएम या पीसीबी हो सकता है आपके पास पीसीबी, तो इन सब्जेक्ट के लिए, अगर आपके पास पीसीएम है या पीसीबी है, तो इन सब्जेक्ट को 1-1 घंटा रोज दीजिए। फिजिक्स को 1 घंटा दीजिए, केमिस्ट्री को 1 घंटा दीजिए, मैथ्स को 1 घंटा दीजिए, अगर आपके पास बायो है तो बायो को 1 घंटा दीजिए, और कम से कम 30 मिनट आप हिंदी को दीजिए। अगर आपके पास हिंदी है, अगर फिजिकल है तो फिजिकल को दीजिए, अगर आपके पास इंग्लिश है तो 30 मिनट रोज आप अपनी इंग्लिश को भी दीजिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं, परसेंटेज बढ़ाते हैं, आपको रैंक होल्डर बनाते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, इसको भी पढ़े 30-30 मिनट तो ज़रूर देना है। आप 30 मिनट हिंदी और 30 मिनट इंग्लिश दीजिए, 1 घंटा ये, और कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को पर डे 1 घंटे का टाइम निकाल के दीजिए सेल्फ स्टडी करने के लिए। आप कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा 1-1 घंटा आपको सेल्फ स्टडी में देना है। अगर डेफिनेटली अगर आप यहाँ से 3 महीने तक इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं और पर डे 4 से 5 घंटा अपना सेल्फ स्टडी का टाइम निकालते हैं, रिविजन्स बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली 65 नंबर्स कहीं नहीं गए, 65 नंबर्स आप स्कोर
कर सकते हैं बेटा, इतनी आपके अंदर काबिलियत है, इतनी आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है ना। तो अपने टैलेंट को पहचानिए और अपनी प्रिपरेशंस को करिए। ओहो, चलिए सर, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमन कीजिए, निकसित क्लिक कीजिए, करें निकसित नहीं होता, निगमन कीजिए होता है। 2022, 23 और 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए, इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसी के आगे मैं एक और ईयर लिख देता हूं, 2025, 2025 में भी क्वेश्चन आएगा, 2025 में भी ये क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली 101% ये क्वेश्चन 2025 में भी आने वाला है। और इस पे बेस्ड, इस टॉपिक पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स जरूर देखिएगा बेटा, इस टॉपिक पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स जरूर प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है उतना न्यूमेरिकल्स आप इस टॉपिक पे जरूर कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इनके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, ये आपको निकालना है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा टॉपिक बचे नहीं है, जो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा टॉपिक नहीं बचे, तीन टॉपिक ही बचे हैं, एक आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, दूसरा आपका व्यतिकरण और तीसरा आपका विवर्तन। ये तीन टॉपिक है और इन्हीं टॉपिक पे ही क्वेश्चन आने हैं हर साल, ठीक है ना। तो इसको इसमें आप 2025 भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि 2025 में भी ये क्वेश्चन आने वाला है और ये 101% आएगा, डेफिनेटली 101% ये मेरे से लिख के ले लीजिए, 101% क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस्ड आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक लिखिए, उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक लिखना है। 2019, 20, 23, 24 में क्वेश्चन आया, वो 25 में आ भी सकता है, ठीक, 50-50% चांसेस है, 50% चांस है आने के, 50% चांस ना आने की है, तो आप इसको भी ठीक ठाक तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, ठीक। 2016, 17, 18, 19, 22, 23, 24 और 25 में भी आएगा, 101% क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा लेंज के नियम का निगमन कीजिए, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, 14 में भी आया, 18, 19, 20, 22, देखो 18 से क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा हुआ है, 18, 19, 20, 22, 23, 24 कंटिन्यू क्वेश्चन आया हुआ है, 2025 में आने के 90% चांस हैं, कितने परसेंट चांस है भाई, 90% आने के चांसेस हैं कि ये 2025 में आपको किसी न किसी सेट में यूपी बोर्ड के आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ओहो, नेक्स्ट है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए, किसकी व्याख्या करना भाई, परावर्तन के नियमों की व्याख्या करना है, किससे, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से। देखो इसके यूज, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से हम जो है परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या करते हैं, तो दोनों टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कवर करिएगा, क्योंकि या तो परावर्तन की व्याख्या पूछ लेगा या तो अपवर्तन की व्याख्या पूछ लेगा, दोनों में से एक पूछ लेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक, तो इसको भी आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में ये क्वेश्चन आने वाला है और इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जरूर देखिएगा बेटा, इस टॉपिक पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स जरूर देखिएगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे बेस्ड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी आएगा यहाँ पे, प्रभाव व कार्यफलन से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखना है और कार्यफलन की यहाँ पे आपको परिभाषा लिखना है। 18, 19, 20 और 24 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से दहली आवृत्ति प्रकाश में सॉरी प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसके क्या महत्व है, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि दहली जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोफोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 14, 17, 18, 20
और 19 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2025 में ये क्वेश्चन आ सकता है, 99% इसके चांस है कि। तो 2025 में इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। कौन से क्वेश्चन के? लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था भी है, ठीक, 2025 में ये क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है 3 नंबर में, ठीक है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का क्या अर्थ है वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ये 16, 18, 20 और 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, 24 में आया नहीं है, 25 में आने की संभावना है, 60-70% क्वेश्चंस आने की संभावना है, आएगा तो 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए, कौन कौन से नियम है उसको एक्सप्लेन करना है। 2025 में ये क्वेश्चन आने की 80-90% चांस है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, 80-90% उस क्वेश्चन के आने की संभावना है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। डी ब्रोगली तरंगे क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक लिखिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस 2025 में आना ही आना है, और ये 101% मतलब 100% क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है इस बार 2025 में, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। और इस टॉपिक पे बेस्ड बेटा न्यूमेरिकल्स भी देखिएगा, किस पे देखना है, इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी देखना है, ठीक। अगर दिक्कत होती है न्यूमेरिकल्स करने के लिए करने में तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी मैं बहुत सारा करा दूंगा, और इस चैप्टर का भी वन शॉट वीडियो भी आने वाला है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटे मैक्स टू मैक्स आपका ये चैप्टर निपट जाएगा। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना कीजिए। आइंस्टीन का जो समीकरण होता है बेटा वो होता है E इज इक्वल टू K+W या φ, बस ये इक्वेशन है, इसी का निगमन करना है, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, उसी का यूज करके यहाँ पे इस समीकरण को हम निगमन करेंगे। नेक्स्ट आपका है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसकी कमियों को आपको उल्लेख करना है, ठीक। 2025 में आने की संभावना है, 90% क्वेश्चन आ सकता है, 100% चांसेस नहीं है, बट 90% क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पना लिखिए, 101% क्वेश्चन आएगा 2025 में, और इस टॉपिक पे बेस्ड बेटा बोहर के हाइड्रोजन मॉडल पे आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करिएगा। क्या करना है, हाइड्रोजन के बोहर का जो हाइड्रोजन मॉडल है उस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के या 5 नंबर के, ठीक। विभिन्न नाभिकों के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान संख्या एक के साथ परिवर्तन ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। कारण बताते हुए समझाइए कि क्यों हल्के नाभिकों का सामान्यतः नाभिकीय संलयन होता है। 2014, 19, 20 और 24 में क्वेश्चन आया हुआ, 25 में कम संभावना है, बट जो बंधन ऊर्जा है ना बेटा, इस टॉपिक पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल जरूर करिएगा, न्यूमेरिकल्स के आने की 100% संभावना है, इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के आने की संभावना जो है वो 100% है, 100% इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे टॉपिक्स के नेम जानने हैं जिसमें जिस टॉपिक से हर साल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो अगर ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको चाहिए जिसपे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हर साल 100% पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसके लिए आपको एक वीडियो अगर चाहिए, डेडिकेटेड वीडियोस अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो बेटा डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो हम इस पर भी बना देंगे कि किस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स इस बार 2025 में आने वाले हैं, तो ऐसा वीडियो भी मैं एक चैनल पर अपलोड कर दूंगा आप लोगों के हेल्प के लिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका उपयुक्त परिपथों की सहायता से पीएन संधि डायोड में वैद्युत धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। तो वो पीएन संधि डायोड तो डेफिनेटली इस पे क्वेश्चंस तो हर साल आता है, इसमें कोई शक नहीं है, पीएन संधि डायोड पूरा टॉपिक आप कवर करिएगा, इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ तो पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, और ये डेफिनेटली 2025 में भी इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस आना ही है, चाहे ये क्वेश्चंस आए या पीएन संधि पे क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा। पीएन संधि के एप्लीकेशन में एक अर्धतरंग दृष्टिकारी है, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, ये 3 टॉपिक है जिसमें हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है डेफिनेटली, और ये क्वेश्चन बेटा 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब अगर आप पीएन संधि अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, पीएन संधि के हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर तो कहीं नहीं गए, 5 नंबर तो आएगा ही आएगा, अगर आप पूरा पेपर छोड़ के केवल पीएन संधि डायोड ही लिख के आएंगे तो 5 नंबर तो आना ही आना है डेफिनेटली, 101%
ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि को समझाइए। देखिए मैंने बोला ना पूर्ण तरंग दृष्टिकारी 2015, 18, 19, 20 और 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 25 में आने के 90% चांसेस है। ठीक, नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है क्या ये? हाँ ये है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख खींचिए और इसकी कार्यविधि समझाइए। ठीक, तो ये क्वेश्चंस भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पूर्ण तरंग भी आता है और अर्ध तरंग भी आता है और पीएन संधि टॉपिक भी पूछा जाता है। तो तीन टॉपिक लास्ट चैप्टर से आपको अच्छे तरीके से तैयार करना, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर ले तो डेफिनेटली कि लास्ट चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आए वो तो हम करके आ सकते हैं। डेफिनेटली हम 5 मार्क्स उस चैप्टर में से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस तरीके का वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोगों का ही है। YouTube ने आप लोगों के लिए ही कमेंट सेक्शन बनाया ताकि आप हमसे टीचर से आप बात कर सके। तो अगर आप हमसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, अपने डिमांड रखना चाहते हैं, ठीक, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, किस तरीके के वीडियोस चाहिए, मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कि कमेंट सेक्शन आप लोगों का है। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि उनको भी तो लाना है बोर्ड एग्जाम में 65+ मार्क्स। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपके क्लास 10th, 11th, 12th और 9th के मैथ्स और फिजिक्स के वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके और आप बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर स्टूडेंट बन सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।